दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल घूमे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सभी का इंटरव्यू उड़ा देगा ईशान और पूरे भोसले परिवार के होश। जी दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर शुक्ला जी इंटरव्यू के अपने लिए इस्तीफा देकर आ जाते हैं सभी के पास और खुलासा करते हैं कि ईशान सर ने उसे ऑप्शन दिया। वहीं सभी और ईशान के बीच में काफी झगड़ा होता है उन्हें लेकर। यहाँ पर देखने को मिलने वाला है एक रिपोर्टर सभी के पास पहुंचता है, जो कि सभी का इंटरव्यू लेना चाहता है और वो उसे न्याय दिलाना चाहता है। सभी ईशान सर से इतना ज्यादा नाराज होती है और देखने को मिलने वाला है कि इंटरव्यू वाला भी ये कह देता है कि भोसले परिवार ने जो भी आपके साथ बदसलूकी किया, अन्याय किया है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सभी साफ साफ इनकार कर देती है और यहाँ पर शुक्ला जी भी कहते हैं कोई सभी इंटरव्यू नहीं देगी। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो उल्टे सीधे सवाल करते नजर आता है कि ईशान सर ने आपके साथ गलत किया, क्या हाथ उठाया, क्या मारपीट की। लेकिन यहाँ पर सभी उल्टा जवाब देते नजर आती है और उसी पत्रकार की क्लास लगा देती है और साफ साफ सच बोलती है कि ईशान सर बहुत ही अच्छे गाइड हैं और वो मेंटर बनते हैं तो किसी का हाथ नहीं छोड़ते। इसी इतनी बड़े इंस्टीट्यूट को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और ना ही उन्होंने कुछ मेरे साथ कोई बदसलूकी की। जिसके बाद देखने को मिलता है कि वो साफ साफ इनकार कर देती है कि भोसले परिवार के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं कहेगी। और देखने को मिलने वाला है कहानी में काफी दिलचस्प इंटरेस्टिंग मोड। यहाँ पर पत्रकार उसकी ईमानदारी से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा कि वो साफ साफ यहाँ पर वही इंटरव्यू छापते नजर आने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि ये इंटरव्यू जब यहाँ पर मीडिया में पूरे जो है सब जगह तहलका मचा देगा, यहाँ तक कि सभी की जो आवाज़ है वो वाइस चांसलर तक भी पहुँचेगी। सभी को न्याय के लिए यहाँ पर पूरे देश से आवाज़ उठेगी और यही आवाज़ होगी जो सभी को न्याय दिलाएगी। देखने को मिलने वाला है कि ये इंटरव्यू अब कैसे भोसले परिवार का, खासकर ईशान का दिल जीत लेगा।